यह गांव झटपुरिया है। इस गांव के आदमी इतने सीधे हैं, बेचारे टट्टी करने भी खेत में जाया करते हैं। अभी तक इन्होंने शौचालय का मुंह भी नहीं देखा। हाथी के भोसले खेत में ही मांद मारते हैं। टट्टी लग रही है यार, लोटा किधर है? अब बड़ी तेज लग रही है यार। ओहो, बड़ा सुकून मिला भाई। हो हाँ जी, सरपंच के यहाँ शौचालय होना बहुत जरूरी है। शौचालय बनवाया नहीं बनवाया आपने? शौचालय क्या हो गया और तू कौन है? मैं हूँ पंचायत अधिकारी, सरकार के सख्त ऑर्डर है सरपंच के यहाँ पर शौचालय होना बहुत जरूरी है। शौचालय एक कमरे की तरह होता है जिसमें सीट लगी होती है, जिसमें बैठ के आदमी आराम से सोच कर सकता है। के लोड़ी के मैं कमरे की क्या जरूरत है? सोच तो हम ये बैठे बैठे लेंगे, पता क्या सोचना? अब ऐसी सोचना झाटू, वो क्या कहते हैं तुम्हारी भाषा में, टट्टी टट्टी करते हैं कमरे में बैठ के। झाटू ये क्या, घर में आ गए हम? सरकार के सख्त ऑर्डर है सरपंच पहले अपने घर में शौचालय यानी लैट्रिन बनवाए और गांव वालों के सामने मिसाल कायम करे। मैं क्या करता, जो करेगी सरकार करेगी। सरकार आपसे सरपंच छीन लेगी और दूसरे कैंडिडेट को दे देगी, फिर मरवाते फिर खेतों में गांड। ऐसे कैसे छीन लेगी सरकार? सरपंची ऐसे ही न मिली है, पूरे गांव से कांड मरवाने के बाद मिली है। ऐठो मत मुझ पे को, मैं तो सरकार के आगे जाकर तुम्हारा रिकॉर्ड दे दूंगा ना। वो ऐसे ऐठे लोग मत बनवाओ। अरे अरे अरे, नाराज मत हो, मैं नाराज होता हूँ, बनवा लेंगे। आओ आओ यार, आओ, बनवाएंगे बनवाएंगे। अच्छा बाबूजी, जब ये बात है तो मैं शौचालय जरूर बनवाऊंगा। बनवानी पड़ेगी, तुम्हारे पास अगले हफ्ते तक का टाइम है। अब मैं अगले हफ्ते आऊंगा, अपने हाथों से शौचालय का उद्घाटन करूंगा। ये लो अपनी को, ठीक है? ठीक है जी बाबू जी, ले वे ले। यू सरकार ने नई अटक लगाई है। पापा मेरी मां मानो तो एक कोठा बनवा लो, तो साला देख के चला जाएगा, फिर साले में भूस भर देंगे। सही कह रहा तू, कोई मिस्त्री को ला पकड़ के फिर लाओ तो 20 रुपए दो। यार हर जगह को रिश्वत खाए का चलता है भाई। तू ले, तू ना मानने का ले। ले भी ले बेटे, शौचालय बन के तो तैयार हो गया। अधिकारी का फलांद हो जाता ना तो इसका उद्घाटन हो जाता। ले बेटे, शौचालय तो बन गया, अब पास करना ना करना उसकी गारंटी है। लो जी लो, आई गया। आए तो कैसे, आ जाओ जी आ जाओ। सरपंच जी, बन गया शौचालय? हाँ बन गया, तुम आ जाओ उद्घाटन करो इसका। गांव वालों को तो बुलवाओ पहले। हूँ गांव वालों को, गांव वालों की जरूरत है? फीता तुम काटोगे, गांव वाले काटेंगे? फीता तो मैं ही काटूंगा, लेकिन उन्हें मिसाल तो देनी है ना कि अपने घर में शौचालय बनवाओ, खुले में टट्टी करना सही नहीं होता यार। अरे बाबू जी, उन भोसले वालों के पता शौचालय क्या हो गया है? मैं अपना आप समझा दूंगा, तुम फीता काटो। पिछली बार की तरह नहीं होने का, पिछली बार भी सरपंच सारे गाँव की लैट्रिन खा गया था। अब भोसले के लैट्रिन खाता होगा तू? पर यार सरपंच साहब, मेरा मतलब है जब्त कर गया था। तो ऐसा कहना, सरकार के सख्त ऑर्डर हैं, लैटिनों के साथ साथ गांव वालों के फोटो भी चाहिए आपके। जाओ गांव वालों को बुलवाओ। जा बेटे, सब गांव वालों को लेवा के लेगा, तुम आओ। अरे वाह सरपंच साहब, शौचालय तो एकदम शानदार बनाए, एकदम A1 कंडीशन। अच्छा जी, हाँ लो जी लो, आए गए गांव वाले भी। बैठ जाओ जी बैठ जाओ। बिठाऊंगा वो, बिठाओ इन्हें। तो बैठ जाओ जी, इंगे बैठो ताऊ, इंगे बैठो, तुम भी बैठो ताऊ, इंगे। तो मेरे प्यारे गांव वासियों, आपने अमेरिका, चीन, रूस का नाम तो सुना? क्या कहा चो? बैठ जा बैठ जा, मैं समझ जाऊं। रूस है वो, रूस। ज्यादा तेज मत चला। आपके सरपंच जी ने गांव में सबसे पहले टॉयलेट बनवाई है। टॉयलेट क्या चीज है भाई,
यार आमलेट तो हमने ही बहुत खाई है, ये टॉयलेट की छोटी बहन है क्या? इधर चाट वाट में खाने में मजा आएगा क्या? तो सही रहा भाई, मैं टॉयलेट खाने की चीज ना होती यार सरपंच साहब, तुम ही समझियो ना। मैं क्या समझाऊं, मेरे तो खुद समझ में ना रही। आज सुनी क्या सारी चूतिया दिखे हैं यार, अब बैठ जाओ नीचे को। रुको यार मैं ही समझाता हूँ। तो आपका क्या नाम है? सानू। सानू जी बात ऐसी है, टॉयलेट एक कमरा होता है, उसमें सीट लगी होती है जिसमें बैठ के आदमी टट्टी करता है। क्या कमरे में टट्टी? तुम लोग सुबह सुबह लोटा लेकर कहाँ जाते हो? खेतों में। चारों तरफ से खुला माहौल होता है, कोई तुम्हारे पिछवाड़े को देख ले तो? देखने दो, जब खेत में जाते हैं तो मंदोला सब बाहर आ जाता है, बड़ा ही सुकून मिलता है अधिकारी जी, किसी के देखने से हमें घंटा फर्क नहीं पड़ता। फर्क तो पड़ जाएगा, पुलिस तुम्हारी गाड़ी में लेटे देगा घुमाएगी। सालो बात को ध्यान से सुन लो जो बता रहा हूँ। मान लो एक लोटा पानी कम पड़ जाए तो? पड़ जान दो, हम तो डिले से पूछ लेंगे। चुप सालो, हगने के लिए कमरा होना जरूरी है क्या? एक कमरा? एक कमरे में पूरा परिवार हक सकता है क्या? सारा परिवार एक साथ? मैं सारा एक साथ नहीं कंजर, एक एक करके जाना हगना है। अच्छा। अभी बाबू जी एक बात बताओ। हाँ। जब सबको एक साथ टट्टी लगा लगी तो? हाँ यो बात बताओ, यो सही कही भी तेने। एक जना हगना चला जी, बाकी सब अपनी गांड में खूंटा ठोक लियो। चुप पड़ के, मुझे कहीं और भी जाना है यार। जनाब एक सवाल का जवाब और दे दो। हाँ पूछो। मान लो पहले मैच लगाया, फिर ये हगी आया, फिर ये हगी आया, फिर तो इसमें टट्टी का ढेर लग जाएगा। अरे भाई उसका भी इंतजाम है। जाम? ऐसा तो इसमें यही तो मैं कह रहा हूँ, इसमें जाम लग जाएगा। अरे यार जाम नहीं इंतजाम, ऐसा कुछ नहीं होता। अरे यार कहाँ फंस गया यार, इनमें गवारों में यार मैं। अरे यार लैट्रिन में एक सीट लगी होती है, उस पर बैठ कर आदमी टट्टी करता है, और एक कमाल की बात सुनो, पानी डालते ही लैट्रिन गायब। मुझे उसे जादू वाली सीट के साथ एक सेल्फी लेनी है। हाँ हाँ क्यों ना, जरूर लो आओ। भाई यू तो भाई खाने की प्लेट से भी ज्यादा चमक रही है। यार माधर चौध, यू खाने की ना हगने की सीट है, इधर यहाँ को जा, आओ खड़ो। यहाँ गांव वालों को रहने का कमरा मिलना रहा, ये हगने का कमरा बनवा रहे हैं, बना लियो इसे सरपंच। जनाब जहाँ स्वाद खुले में हगने में आता है, इसमें कहाँ स्वाद आएगा? खुले से भी ज्यादा स्वाद है इसमें बंद कमरे में, चाहे तो तुम चेक करके देख लो। चलो चेक करता हूँ। हाँ भोसड़ी के बिल्कुल हवा से ही घूम रहा, वहीं बैठ जा। साहब जी मैं गया हूँ, ये दस्त हो रहा है। हाँ हाँ जरूर। तेरी गांड भी अभी चलने को रही है, सारी सीट वीट को सान दी है। कतई पतली आएगी सीट, कतई सनी ना सकती। मैं कैसे मान लू, गिलास में भर लो तुम तो। अजी साहब तुमने कहा ये चक्कर में डाल दिए, हगने पगने के चक्कर में लगा दिए, हमने तुम्हें रेबिन काटने नहीं बुलाया, तुम रेबिन काटो यार। मैं ऐसा कह रहा हूँ, हगन दो इन भोसड़ी वालों को, इलेक्शन आ रहे हैं तुम्हें लंड वोट नहीं देने के हैं, बन जाइए फिर कद्दू का फलान सरपंच। हाँ यार ये तो बात, तो हगन दो। मेरे प्यारे गाँव वासियों, बार बार सरपंच साहब को सरपंच बनाओ, और सरपंच साहब के लैट्रिन के दरवाजे आपके लिए हमेशा खुले रहेंगे। खूब हड़ोगो गांड फाड़ हगो। मैं भी हगूंगा, मैं भी हगूंगा, मैं भी हगूंगा। और एक बात, तुम्हारा सरपंच पुरुष नहीं क्या? ओए बैठ, बल्कि महापुरुष है क्या? जो गांव वालों को इतनी सुविधा दे रहा है, बहुत अच्छी बात है। लाओ कैंची लाओ, मुझे कहीं और भी जाना। सरपंच की लैट्रिन हमेशा बनी रहे और गांव वाले आते जाते रहे। साहब जी तुमने क्या कह दिया, भोसड़ी के यहीं चले रहेंगे। ठीक है चलता हूँ। इस वजह से लैट्रिन बनवाई है कि बाद में भूस भर देंगे, ये भोसड़ी का नहीं वापस पैदा कर गया। देख लो तुम क्या है, गांड मारो तुम भी जाओ। चलो भी गाँव। मैं यार बिल्कुल सर में दर्द कर गया, मैं क्या क्या कर गया यार। वो पापा आप तो इसमें भूस भर दो। बेटे अभी ना भर रहे इसमें भूस, कभी को अधिकारी चेक वैक करने आ जाओ, दो चार दिन के बाद भर देंगे।
मैं भूसभूसी भरवा दो फिर। ओए 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 कहाँ जा रहे हो? बहुत इमरजेंसी है सरपंच साहब। ऐसा कौन सी इमरजेंसी पड़ गई भाई? दस्त लग रहे हैं बहुत तेज। यू सरकारी ना है, अपने घर के ताई बनवाई हमने। अरे अब तो जाऊंगा। अरे अंधे यार, यू नया ड्रामा भाई। पटर पटर इसी को रोक लो, हर कोई हगेगा अब इसमें। अबे यार इसकी गांड का पत्ता भी आज ही फटना था भाई, बड़ा बुरा हग रहा भाई। हमने तो भला शौचालय बनवाया। बड़ा आराम मिला भाई। पानी तो डाला पर फीस बहुत मोटा था, अंदर गए ना, डाल लियो अपना आप। अबे अबे बस सुन तो ले, अबे तेरी गांड तो ना फटी, पानी तो गेर दे और डाल लिया अपना आप। भाई यार हमने तो भली गांड मराई, देखो तो सही उठ का यार। ओफो इसकी बहन का लंड बड़ी बुरी आ रही भाई, मांद की मांद पड़ी। अबे जरा बाल्टी भर के लेके लल्ला ना, पीछे को जा, पीछे को दी छीटा मैं। बड़ी बुरी आ रही भाई। पापा यू कौन है, इसने तो हमें भी ना बताई। उसरी के सहरे यहीं फट रहे हैं, मेरी सास का बाल्टी तो अंदर को धर लेता, जाना धोएगा भी जाना कैसे। पापा इसमें एक काम करो, साले में ताला लगाओ। कह तो सही रहा, पहले इसे हगन दे अब। ओहो बड़ा आराम मिल गया। अब धोई कैसे आता है ना, पानी तो बाहर था। धोता होता ना हूँ मैं तो हिसाब कर लूं। ऐ तेरी तो बड़े गिलीचा भी बहन से सहरे। अबे मेरी सास के ऐसा तो छोड़ देता, ये तो गुसल खाना है यार। हौसली वाले ने गुसल खाना भी खराब कर दिया, कितनी बुरी आ रही है। आला गुसल खाना भी ना छोड़ ले बहन से। पिछली बार तो सरपंच लेटर ना खा गया था, इस बार सिट ही खा गया, कम से कम इसमें सिट तो लगा ही देता है। भाई भौसड़ी के तू गलत घुस गया, तू गुसल खाना है। अब एक सीट इसमें भी लगवा दे, पूरे गांव की सीटा खा गया तू। तो बेटे इसमें ताला लगा दे। अभी लगाऊं लो पापा ताला। दुखी कर रखा, कोई गुसल खाने मांग रहा, कोई लैटरिन मांग रहा, ताला लगा तू। मैं ताला आ जाओ। लो देखो साली जी, अभी साली दिखा। अबे यार महसूस तो बहन जो मेरे ही मार रही है, जब दुनिया हक का जा रही तो मैं ना हक सकता क्या? अबे ताला किसने खोल दिया? यू पापा देखेंगे तो बहुत डांटेंगे, ताला बंद कर देता हूँ। वह बड़ा आराम मिला भाई। अरे यार ये खुल क्यों नहीं रहा? अरे हमारा बेटा तो हमें ही बंद करके चला गया। बेटी चोट चला भी जाना किंग भैया। अब काइया खोलिए, अब खोल दे। अब बड़ी बदबू आ रही है, मर जाऊंगा यहाँ, खोल दे। अब तोड़ दूंगा गेट को, अब खोल दे, अब खोल दे।